ओल्ड इज गोल्ड, ये कहावत तो हमने बचपन में बहुत बार सुनी होगी बट कभी देखी नहीं, और इसलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे ओल्ड फ्लैगशिप्स के बारे में जिसे लेकर आप आज भी उतना ही खुश रहोगे जितना पहले होते। और लिस्ट में पहला फोन है एप्पल की तरफ से आईफोन 12 जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था। लगता नहीं है 3 साल हो गए इस फोन को। खैर, दूसरा फोन है आपका और हमारा राज दुलारा S20 FE 5G या फिर उसके बड़े भाई S21 FE 5G। अगर इन दोनों फोन में कंफ्यूजन है तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, नहीं तो बड़ा पछताओगे। और आखिरी फोन है गूगल पिक्सल 6a, इसको भी कम मत समझना, कमाल की चीज है। तीनों ही फोन 30 से 40 हज़ार के प्राइस रेंज में आते हैं, और अगर आपका ही बजट इतना ही है मुबारक हो, आज आप अच्छा फोन लेने वाले हो अपने लिए। अपने बॉडी की बिल्ड क्वालिटी तो जिम जाकर सुधार लोगे बट फोन्स में ऐसा नहीं होता। अब वैसे तो तीनों ही फोन्स की बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब है बट अगर इनमें से बेस्ट बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो वो आईफोन की है। मजाक नहीं कर रहा, इसको हाथ में लेने के बाद ऐसा लगता है मानो ब्रिटानिया का केक हो 150 ग्राम। बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास और फ्रंट साइड में सिरामिक शील्ड भी है, बट सबसे अच्छी बात यह लगती है कि इसके बेजल्स एकदम सिमेट्रिकल है, बिल्कुल नथिंग फोन 1 की कॉपी लगती है। वैसे काल भाई, दूसरा नथिंग फोन कब आने वाला है? रही बात पिक्सल और सैमसंग की तो दोनों ही फोन्स बहुत गंदी चीज से बने हैं, प्लास्टिक से। हाँ, अच्छी बात यह है कि प्लास्टिक सिर्फ पीछे इस्तेमाल हुआ है, साइड फ्रेम आपको एल्युमिनियम का ही मिलेगा और डिस्प्ले प्रोडक्शन गोरिल्ला ग्लास 3 का। बट मजे की बात यह है कि S21 FE में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोडक्शन मिलती है जो कि आईफोन को पूरा टक्कर देगी। बट बिल्ड क्वालिटी में आईफोन 12 आपके लिए बेस्ट रहेगा, एंड्रॉइड लवर तो नहीं हो, उस केस में S21 FE ले लेना, खुश रहोगे। फोन्स, टीवी, आईपैड, कंप्यूटर, लैपटॉप और बुर्ज खलीफा, ये सभी एक ही वजह से फेमस है, डिस्प्ले। अब वैसे तो तीनों ही फोन्स के डिस्प्ले जबरदस्त है बट हम तो बेस्ट ढूंढ रहे हैं ना। आईफोन 12 में आपको 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलती है 60Hz वाली, जिसमें HDR10, डॉल्बी विजन और पता नहीं किस किस चीज का सपोर्ट है। पिक्सल 6a में भी आपको 6.1 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिलती है 60Hz वाली, और इसमें भी HDR वगैरह का सपोर्ट मिलता है। रही बात S20 FE 5G की तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलती है विद 120Hz रिफ्रेश रेट, और यहाँ पे भी HDR वगैरह का सपोर्ट दिया हुआ है, टेंशन मत लेना। अब पिक्सल और सैमसंग में आपको 1080p की डिस्प्ले दी हुई है बट आईफोन एक कदम आगे है क्योंकि इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 1170x2532, मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये होता है अराउंड 2962,000 पिक्सल्स, बाबा रे। बट बाकी तीनों फोन्स की स्क्रीन रेजोल्यूशन और पिक्सल काउंट आईफोन 12 से थोड़े कम है। अब ये उतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं है बट क्वालिटी वाइज आईफोन इज बेटर सच में। बट अगर मूवीज देखने के शौकीन हो तो S21 FE को ऐड टू कार्ट कर लेना क्योंकि बड़ी स्क्रीन में मूवी देखने का मजा ही कुछ और होता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि एक पेड़ की असली ताकत उसकी जड़ में होती है, उसी तरह एक फोन की असली ताकत उसका प्रोसेसर डिसाइड करता है। आईफोन 12 में आपको A14 बायोनिक चिप मिलती है जो कि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करना इसकी बेइज्जती करना है, मतलब डे टू डे टास्क हो या फिर वीडियो एडिटिंग, सारी चीजें आपकी उम्मीद से पहले हो जाएंगी। और गेमर्स के लिए तो ये फोन देवता समान है क्योंकि इसमें गेमिंग करते हुए लैग होना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरे वीडियोस में अच्छे कमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट। सैमसंग ब्रदर्स की बात करूं तो S20 FE 5G में स्नैपड्रैगन 865 मिलता है और S21 FE 5G में एक्सिनोस 2100। दोनों ही फोन्स में नॉर्मल टास्क जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर को इस्तेमाल करना बच्चों का खेल, बट जब बात गेमिंग और वीडियो एडिटिंग की आती है S21 FE के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि Exynos 2100 बहुत पावरफुल है बट कंसिस्टेंसी में काम खराब है। बिल्कुल भावेश भाई की याद दिला दे इसने। रही बात S20 FE 5G की तो इस फोन में गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, रील्स देखना, दोस्तों को गालियां देना सब कुछ आराम से हो जाएगा क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 अपने जमाने का चैंपियन था और आज भी अपनी प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन्स को धो सकता है। बट पिक्सल 6 से सेम S21 FE वाली कहानी, पावरफुल तो है बट कब तक ये कहना मुश्किल है, मतलब नॉर्मल यूसेज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली बट अगर गेमिंग के लिए आपने ये फोन ले लिया तो इस गलती को गिनीज बुक में भी दर्ज करवाना पड़ सकता है। मतलब गेमिंग के लिए आप आईफोन 12 या S20 FE 5G को परचेज कर सकते हो, चाइना का माल नहीं है, लंबा चलेगा। हार्डवेयर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं हुआ तो मतलब फोन भी अच्छा नहीं है। खैर, आईफोन 12 में आपको iOS का लेटेस्ट वर्जन मिलता है और मिलता रहेगा 2025 तक। अब iOS के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करने का मतलब है उसकी बेइज्जती करना, बिकॉज आप कितने ही महंगा एंड्रॉइड फोन यूज कर लो iOS का एक्सपीरियंस अलग लेवल का होता है। और कुछ यूट्यूबर्स तो ये भी बोलते हैं कि आईफोन का 60Hz एंड्रॉइड के 120Hz के बराबर है, मत बोला करो। हाँ, अगर एंड्रॉइड के 60Hz से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आईफोन ज्यादा स्मूथ लगता है बट 120Hz मजाक है क्या। सैमसंग ब्रदर्स की बात करें तो S20 FE 5G को एंड्रॉइड 14 तक पहुंचाना सैमसंग के हाथों में है बट S21 FE 5G को एंड्रॉइड 14 छोड़ो एंड्रॉइड 15 का भी अपडेट मिलेगा। और एंड्रॉइड डिपार्टमेंट में सैमसंग का वन UI उतना ही ज्यादा फेमस है जितना कि बॉलीवुड में शाहरुख खान, बहुत स्मूथ, वर्सटाइल, कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी सब कुछ टॉप नॉच है।
अब One UI, ColorOS, OxygenOS, FunTouchOS सब एक ही चीज से बने हैं, स्टॉक एंड्रॉइड से, और वो आपको मिलता है Pixel 6a में। ना ज्यादा कस्टमाइजेशन, ना ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्स, ना ज्यादा सिक्योरिटी, बिकॉज इस फोन में सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी मिलती है, वही S20 FE और iPhone 12 में हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी है। मतलब अगर सिक्योर फोन ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढो, iPhone या फिर Samsung ले लो, Pixel से ज्यादा सिक्योर है। और अपडेट्स के लिए टेंशन फ्री रहना, सभी फोन्स को 2 साल से ज्यादा ही अपडेट्स मिलेंगे, तो लंबे टाइम तक यूज करने के लिए आप किसी को भी उठा सकते हो, Amazon से उठाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जिंदगी में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट फोन में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैमरा। iPhone 12 के सभी कैमरास 12 मेगापिक्सल के ही हैं, बट फोटोज देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे एप्पल ने हमसे झूठ बोला है, क्योंकि 12 मेगापिक्सल के फोटोज में डिटेल्स 24 मेगापिक्सल वाली होती है, और मजा तो तब आता है जब हम इससे वीडियो शूट करते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स यूज किए हैं और उनसे वीडियोस भी शूट किए, बट जैसी क्वालिटी और शार्पनेस मुझे आईफोन की वीडियोस में मिलती है ना, वैसी क्वालिटी बहुत कम एंड्रॉइड फोन्स ही दे पाते हैं। रही बात पिक्सल की, तो इस फोन के बैक में भी डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है, 12+12, बट सेल्फी सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है तो 8 मेगापिक्सल का, बट शायद DSLR वाला, क्योंकि 8 मेगापिक्सल होने के बाद ऐसी क्वालिटी सिर्फ DSLR ही दे सकता है, और इवन बैक कैमरास की क्वालिटी भी उसी लेवल की है, डायनामिक रेंज, कलर, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सब कुछ टू द पॉइंट रहता है। और मजे की बात तो यह है कि इसके नाइट मोड को बीट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले स्मार्टफोन से एस्ट्रोफोटोग्राफी करने वाले भैया यही थे। फोटोग्राफी तो बहुत अच्छी है, बट वीडियोस मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियोस खराब आती है, बट जो क्वालिटी आप एक फ्लैगशिप से एक्सपेक्ट करते हो ना, ये एक्सपेक्टेशन तोड़ देता है। और बैक कैमराज में तो फिर भी ठीक है, बट फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080p वीडियोस, ये तो गलत है, क्योंकि सैमसंग के ऑलमोस्ट सभी मिड रेंज और फ्लैगशिप फोन्स में आपको 4K सेल्फी वीडियो का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ S21 FE की बात करूंगा, क्योंकि कैमरास के मामले में वो S20 FE से बेटर है, सच में। अब इस लिस्ट का ये पहला फोन है जिसमें बैक के साइड ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है, 12 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो, और इसके सेल्फी कैमरा का रिजोल्यूशन उतना ही है जितना कि पिक्सल के सभी कैमरास को ऐड करके बनता है, 32। फोटोज की बात करूं तो S21 FE का कैमरा आईफोन और पिक्सल के कहीं बीच में फिट होता है, क्योंकि इस फोन के फोटोज में भी डिटेल्स कमाल के होते हैं, बट कलर्स के मामले में ये आईफोन और पिक्सल से भी 2 कदम आगे है, बट एक्चुअली में ज्यादा कलर वाले फोटोज ही लोगों को अट्रैक्टिव लगते हैं। आपको कैसे फोटोज पसंद है कमेंट्स में बताना जरा, और ये भी बताना कि जितने कैमरा ऑप्शंस आपको सैमसंग के कैमरा एप्लीकेशन में मिलते हैं, क्या वो किसी और ब्रांड में है, और है तो कितने यूजफुल है। और ऐसा नहीं है कि इस फोन से सिर्फ फोटोज अच्छी आती है, वीडियोज में भी ये फोन अच्छा है, पिक्सल से तो बहुत ही अच्छा है, डिटेल्स, कॉन्ट्रास्ट, डायनेमिक रेंज, सब कुछ फ्लैगशिप लेवल का है। हाँ, फोटोज की तरह वीडियोज में भी कलर की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, बट देखने में तो अच्छा ही लग रहा है ना। मतलब मेरी मानो तो कैमरास के मामले में आईफोन और सैमसंग का कोई जवाब नहीं। हाँ, अगर नाइट शिफ्ट वाले हो तब पिक्सल ले सकते हो, रात में अच्छी फोटोज आती हैं उससे। अब फोन्स भले ही कितने अच्छे क्यों ना हो, अगर बैटरी अच्छी नहीं है तो चार्जर पॉकेट में लेकर घूमना पड़ता है। iPhone 12 में सिर्फ 2815mAh की बैटरी मिलती है विद 20W फास्ट चार्जिंग, सिर्फ Apple के लिए फास्ट है ये, और फ्लैगशिप होने की वजह से इसमें वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। इस फोन की बैटरी हेल्थ अभी 89% है, बट एक दिन का बैकअप मिल ही जाता है, फिर भी मैं चार्जर पॉकेट में बैग में लेकर ही घूमता हूँ। मतलब अगर हैवी यूज करोगे तब चार्ज करना पड़ सकता है। इवन सैमसंग के साथ भी यही सीन है, मतलब इस फोन में 4500mAh की बैटरी मिलती है विद 25W फास्ट चार्जिंग, जो कि सिर्फ सैमसंग को फास्ट लगती है, बट आईफोन की तरह इसका बैकअप भी एक दिन का ही है। अब आईफोन में सिर्फ वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन इसमें वायरलेस के साथ साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दी हुई है, मतलब आप चाहो तो आईफोन को सैमसंग से चार्ज कर लोगे, बट सैमसंग को आईफोन से चार्ज नहीं कर सकते। सही खेल रहे हो टीम अंकल। और पिक्सल भी 30 मार खान नहीं है, स्पेक्स वाइज इसकी बैटरी कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट सैमसंग जितनी है और बैकअप भी उतना ही आता है, बट बाकी दोनों फोन्स की तरह इसमें वायरलेस चार्जिंग का सीन ही नहीं है। मतलब बैटरी डिपार्टमेंट में आप किसी भी फोन से नाराज नहीं होगे, बट सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको सैमसंग के फोन में मिलेगा, सोच समझ के लेना। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से लोगे तो हमेशा खुश रहोगे, बट ज्यादा खुश रहने के लिए सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। अगर अब भी कोई डाउट हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देखना, नहीं तो राइट वाली वीडियो भी आपके बहुत काम आएगी। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्तला वीस्ता।